भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया ने गहलोत सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश की जनता कोरोना से पीड़ित है और सरकार बाड़े में बंद है। जयपुर स्थित प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राजस्थान में कानून व्यवस्था चरमरा गई है और सरकार इस संकट की घड़ी में प्रदेश की जनता को भूलकर होटलों में बैठी है। सरकार जनता एक तरफ कोरोना से मर रही है, दूसरी तरफ अपराध बढ़ रहे हैं, टिड्डी का हमला हो रहा है, कई जगह लोगों को रोजगार से संबंधित परेशानियां हैं, कई जगह ऐसी बहुत सारी योजनाएं थी जो सरकार को लाभ दे सकती थी। अभी गवर्नेंस पूरे तरीके से फेल है। मैंने देखा मंत्रियों के कई वीडियोस, बाड़े में रह के भी ये कह रहे हैं कि बाड़े में नहीं है। सरकार फोन टैप करती है, ये तो पिछले कुछ प्रकरणों में पता भी लग गया, और फोन टैपिंग की एक प्रक्रिया होती है, उसको अपनाया भी नहीं गया। तो इस तरीके का गैर कानूनी काम सरकार कर रही है, ये तो जनता के संज्ञान में भी है। अब जो सूची जारी हुई है उसमें प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो लोग अंदर बंद हैं ये बात तो वही बता रहे हैं कि हम एक दूसरे के कमरों में नहीं जा सकते, एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। तो बात लोकतंत्र की और नैतिकता की कर रहे हैं, लेकिन जिन लोगों का उनको समर्थन चाहिए, पहली बात तो उन पर भरोसा नहीं है, और दूसरी बात उनको इस तरीके से कैद किया हुआ है, इसका मतलब ये है कि सरकार भयभीत है, डरी हुई है। जिन लोगों के वोट चाहिए, जिन लोगों के वोट से सरकार बचनी है, उन पर ही अविश्वास है। तो इस अविश्वास के कारण जो पूरे प्रदेश भर में जो अस्थिरता और अराजकता बनी है वो वास्तव में चिंताजनक है, और इस तरीके से सरकार काम करती रही तो ऐसी सरकार को, ऐसी कमजोर सरकार को, मुझे लगता है कि अपने आप में ही वो जो कहावत है कि जो डर गया सो मर गया, इतनी डरी हुई सरकार कब तक बचेगी।